रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षु महिला आर्चियों को आरटीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें लगभग 261 महिला आर्ची ट्रेनिंग ले रही हैं। प्रशिक्षु आर्चियों को यूपी कॉप ऐप के साथ साथ पुलिस विभाग के विभिन्न नियम कानूनों को बताया जा रहा है, जिससे आर्ची पूरी तरह से दक्ष होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। पुलिस लाइन के आरटीसी में पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने प्रशिक्षु आर्चियों को पठन पाठन की जानकारी हासिल की और उन्हें खुद ही टीचर बनकर पढ़ाया, जिससे उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। आप जब जाएंगे ठीक करना, तो कोई विवाद है तो वो करके लाएंगे वहाँ पर वहाँ जाइए सर, बिल सिखाएंगे आगे मीडियम। अगर इसकी स्पीड 70 किलोमीटर है तो गलती ड्राइवर की है इसकी। क्यों? क्योंकि अगर ये राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें स्पीड लिमिट होती है 50 किलोमीटर। फोर लेन एक्सप्रेसवे है तो लिमिट होती है 80 किलोमीटर। अगर एक्सप्रेसवे है तो इसकी गलती नहीं है, समझ रहे ना? और ये कैसे पता चलता है? जब एक्सीडेंट होती है तो स्पीड क्या थी, ये मीटर कई बार टूट जाता है या लोग बताते हैं कितनी तेज रफ्तार है। अगर ये अपनी लिमिट में चल रहा है और ये आ गया है तो गलती आप लोग नंबर एक पॉइंट डालेगी मैं, घटना की जाती है अलमारी या बक्से को खोलकर लाइसेंसी पिस्टल या रिवॉल्वर या नकदी या सोने चांदी के गहने आते हो तथा अन्य किसी सामान से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। आपको बताएंगे पंजीकरण, उसके बाद देखते हैं पंजीकरण में हम सामान्य कोई वाहन कल बैग नंबर खाने तैयार।
जी आज आरटीसी में जो अभी इस समय दोपहर के समय क्लासेस चलती हैं, कोई 250 आरक्षी महिला आरक्षी ट्रेनिंग ले रही हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो उनकी क्लासेस का औचक निरीक्षण किया गया कि वहाँ पर शिक्षक जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस है, और बच्चों से बात करी गई, उनके प्रारूप को और उनके सिलेबस को चेक किया गया और सभी संतोषजनक पाया गया और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनको और प्रारंभिक रूप से इनको तकनीकी रूप से ज़्यादा दक्ष बनाएं जिससे इनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग एप्स की ट्रेनिंग अभी से दे करके कांस्टेबलरी लेवल को भेजें यहाँ से।